एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो टुडेज वीडियो इज अबाउट द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सेकंड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड वी आर गोइंग टू सी विद द नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव स्टार्टेड विद द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर। तो ये स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था उसमें हमने काफी सारे नए नए टाइप के एडजस्टमेंट्स देखे थे। तो जो भी आपने उससे रिलेटेड कैपिटल रिजर्व ढूंढा था वो सभी स्टूडेंट्स का राइट है 2,90,500। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका राइट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। तो आज हम अभी सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में मैंने कुछ अलग तरीके के एडजस्टमेंट लाए सो दैट और भी टाइप के आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन यू कैन चेक, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है, ए लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच वी आर हैविंग, दैट इज 5 lakh rupees। देन द सेकेंड पॉइंट, 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच वी आर हैविंग 6 lakhs। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमें क्या करना है। देखो, 5 lakhs को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 5000 शेयर्स, ये तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिए है। तो अभी हमें ये जो पॉइंट नंबर सेकंड है 6 lakhs, अगर हम 6 lakhs को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितने शेयर्स मिलेंगे, वी विल गेट 6000 शेयर्स। सो 6000, 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच वी आर हैविंग ओवर हियर, एंड सिमिलरली इक्विटी शेयर्स वी आर हैविंग 5000। 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच हमें दिया है 8 lakh rupees। क्रेडिटर्स हमें दिया है 1 lakh और लाइबिलिटी साइड का टोटल हमें दिया है 20 lakhs। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं तो सिमिलर पॉइंट्स में आगे प्लांट एंड मशीनरी हमें दिया है 5 lakhs, मोटर व्हीकल्स हमें दिया है 1,75,000, स्टॉक इज 25, डेटर्स 5 lakhs, डेटर्स इज 5 lakhs, कैश इज 3 lakhs, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दैट इज योर मिसलेनियस विच इज बीन गिवन टू यू, एंड बिल्स रिसीवेबल इज गिवन टू यू 4 lakhs। हियर आर दी एडजस्टमेंट्स। तो पहले स्टूडेंट्स हम एडजस्टमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपके एडजस्टमेंट्स का अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा तो आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडजस्टमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट्स, नंबर 1, इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस फ्रॉम ₹100 to ₹30। तो 100 से ₹30 में रिडक्शन हुआ है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि टू वर्ड जब भी आएगा तब हमको क्या करना है, जो हमारा डिफरेंस होगा वो हमारा कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे टू के लिए और बाय के लिए। टू और बाय काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। सो टू जो है, टू वर्ड और बाय वर्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे टू, जो लोग लास्ट लेक्चर में प्रॉपरली, जिनका ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है वो लोगों के लिए और एक बार बताता हूँ। देखो, ₹10 का वैल्यू था, अगर बोला है क्वेश्चन में ₹2, तो 10 में से 2 गया, कितना डिफरेंस बचेगा 8। आपका 8 जो रहेगा वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। अगर उन्होंने बोला बाय ₹2, तो 10 यहां पे बाय की वैल्यू अगर हम देखें तो यहां पे जो हमारा 2, समझो उन्होंने बोला बाय ₹2, तो क्या करेंगे, बाय हमेशा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होता है, यहां पे 2 होगा, 10 - 2 नीचे 8 आ जाएगा। सो इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। ये हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। इस ये क्वेश्चन में मैंने दोनों टाइप के पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, सो अकॉर्डिंगली दोनों के दोनों पॉइंट्स हमारे एडजस्टमेंट वाइज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहे सो दैट आपके सारे के सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस फ्रॉम ₹100 to ₹30 एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस, देखो यहाँ पे दिए बाय ₹60। 9% डिबेंचर्स आर रिड्यूस बाय ₹60, तो 9% डिबेंचर्स बाय ₹60, तो डिबेंचर्स का भी एक नया एडजस्टमेंट आज हम सीखेंगे। क्रेडिटर्स पे भी देयर इज अ न्यू एडजस्टमेंट। क्रेडिटर्स आर सेटल्ड एज 20% बाय 11% डिबेंचर्स, 40% कैंसल्ड, 40% बाय इक्विटी शेयर्स। तो व्हाट टू डू, वी विल सी दिस प्रॉपरली। असेट्स रिवैल्यूड दिया है, प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूड फिगर है हमारे पास 5,50,000।
मोटर व्हीकल्स का रिवैल्यूड फिगर है हमारे पास 1 लाख एंड स्टॉक वाज सोल्ड एट 50% लॉस। सो स्टॉक इज सोल्ड ओवर हियर, तो सोल्ड का भी एक एंट्री हम नया सीखेंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज ऑल फिक्टिशियस असेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ, और पॉइंट नंबर 7 आपके लिए नया है। एंड दिस पॉइंट नंबर 7 इज प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन एरियर्स फॉर 2 ईयर्स एंड हाफ ऑफ द डिविडेंड वॉज पेड इन कैश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू हाउ टू डील विद दिस एडजस्टमेंट ऑल्सो वी विल बी सीइंग। एंड द लास्ट पॉइंट इज अ रिपीट पॉइंट विच वॉज कैलकुलेटेड लास्ट टाइम ऑल्सो इन द प्रीवियस क्वेश्चन, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसिस पेड, वेरी सिंपल एंट्री, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जर्नल एंट्री कैसे होगा? देखो, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले एक बार इक्विटी शेयर का वैल्यू यहाँ पे चेक करते हैं। सो वी आर हैविंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, अमाउंट इज 5 लाख रुपीज, 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, अमाउंट इज 6 लाख रुपीज। तो अभी हम एडजस्टमेंट में जाएंगे, अभी मैं आपको सीधा एडजस्टमेंट में से समझाता हूँ। देखो, एडजस्टमेंट है इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस फ्रॉम ₹100 टू ₹30। तो मैं एंट्री के साइड में आपको डिस्क्रिप्शन भी लिख के देता हूँ। देखो, फेस वैल्यू कितना था? 100 था। 100 की वैल्यू कितनी बनी? ₹2.30 उन्होंने बोला है, तो आपका डिफरेंस कितना है? 70। तो जो भी आपका डिफरेंस होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिडक्शन। सो आई विल राइट द एंट्री ओवर हियर। मैं आपको यहाँ पे एंट्री लिख के बताता हूँ। देखो क्या होगा एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, हमें वैल्यू लिखना है क्वेश्चन में से। क्वेश्चन में से मैंने देखा क्वेश्चन में इक्विटी की वैल्यू कितनी है? 5 लाख। सो आई हैव कॉपीड द 5 लाख, सेम दिस इज ओल्ड वैल्यू। ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने थे? 5 लाख को 100 से हमने डिवाइड किया, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं, दैट इज 5000। देखो अभी 2 की वैल्यू जो है, 2 की वैल्यू यही हमारे इक्विटी शेयर में आएगी। तो मैं मल्टीप्लीकेशन भी लिख के देता हूँ, 5000 मल्टीप्लाइड बाय ₹30, तो दैट विल बी 5 × 3 = 15, 1,50,000। सो 5000 इंटू दिस 30 आपको करना है, 70 की वैल्यू कहाँ पे जाएगी? कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन में कितनी जाएगी? अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 इंटू 70 करोगे तो भी आएगा 5, 7 = 35, तो आएगा 3,50,000। या फिर आप माइनस भी करके ढूंढ सकते हैं, 5 लाख में से अगर हम 1,50,000 को माइनस करेंगे तो भी 3,50,000 हमको आंसर मिल रहा है। तो दैट इज द एंट्री नंबर 1। इट्स वेरी इजी इफ यू सी, ओनली वी हैव टू चेक फ्रॉम द क्वेश्चन। क्वेश्चन में अमाउंट देखना है, उसको डेबिट साइड कॉपी करना है, फिर कॉपी करने के बाद उसके बाद हमें एडजस्टमेंट में जाना है, एडजस्टमेंट को देखना है। एडजस्टमेंट में टू और बाय को ध्यान से देखना है, बिकॉज टू और बाय आपका पूरा का पूरा जर्नल एंट्री रॉन्ग कर देगा। इसीलिए हमें यह चेक करना है कि टू दिया है या बाय दिया है। अगर टू दिया है तो टू की वैल्यू इक्विटी में क्रेडिट जाएगी, और अगर बाय दिया है तो बाय की वैल्यू हमेशा याद रखना, बाय की वैल्यू कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होती है, टू की वैल्यू इक्विटी में ट्रांसफर होगी। सिमिलर अभी एंट्री करेंगे प्रेफरेंस के लिए, देखते आगे क्या है प्रेफरेंस। तो देखो प्रेफरेंस के लिए 11% प्रेफरेंस ऑफ 100 ईच, अमाउंट है 6 लाख। तो लेट अस चेक द एडजस्टमेंट नाउ। 11% प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्या बोला है? प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस्ड बाय ₹60 ईच। ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइड में आपके लिए रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। देखो प्रेफरेंस का फेस वैल्यू कितना था? 100 था। 100 का वैल्यू कितना बना वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला बाय ₹60। तो बाय की वैल्यू हमेशा कहाँ जाती है? कैपिटल रिडक्शन। तो 100 में से 60 गया, तो 2 की वैल्यू कितनी बनेगी? 40 बनेगी। अब हमारा एंट्री क्या होगा? प्रेफरेंस है तो परसेंटेज लिखना कंपलसरी, 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, ध्यान से लिख लेना, 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, दिस विल बी द एंट्री। क्या करना है हमको, क्वेश्चन में से अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन में कितना अमाउंट था? 6 लाख। सो आई एम राइटिंग 6 लाख ओवर हियर। अभी हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए कैसे था, 6 लाख को 100 से डिवाइड किया तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आए थे? 6000। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 6000
मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान से अभी यहाँ पे स्टूडेंट सिली मिस्टेक करते हैं, 6000 इंटू 60 करते हैं, हमें 60 नहीं करना है, हमें 6000 इंटू 2 की वैल्यू करनी है, 6000 मल्टीप्लाइड बाय 40 करना है, ध्यान से करना, 6000 इंटू 40, तो इसका अमाउंट कितना आएगा, 2,40,000। ओके, तो 6 लाख में से अगर हम 2,40,000 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा, 3,60,000, दैट इज कैपिटल रिडक्शन। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी ढूंढ सकते हो, 6 लाख 6,000 इंटू 40 किया मैंने, अगर आप 6,000 इंटू 60 करोगे तो भी आपको वैल्यू मिलेगी, दैट इज 3,60,000। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर योर प्रेफरेंस रिडक्शन। अभी हम डिबेंचर्स में जाते हैं, डिबेंचर्स के लिए पढ़ते हैं, देखो 9% डिबेंचर्स आर रिड्यूस बाय ₹60 ईच, ठीक है, 9% डिबेंचर्स 8 लाख है, उसका भी फेस वैल्यू 100 है, तो पहले एंट्री कर लेंगे, सेम एंट्री है जैसा प्रेफरेंस का किया, 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कन्वर्ट भी सेम में ही हो रहा है, 2 9% डिबेंचर्स अकाउंट एंड 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है, 9% डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है, 8 लाख है, देखो सेम है, 100 का वैल्यू क्या बोला उन्होंने, यहां पे चेक करते एक बार, 100 का वैल्यू क्या बोला था उन्होंने, 9% डिबेंचर्स आर रिड्यूस बाय ₹60, ठीक है, बाय ₹60, तो यहां पे लिखेंगे बाय 60, अगर हम 100 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 40, ठीक है, सो आपको अभी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 8000 कैसे आया, 8 लाख को मैंने 100 से डिवाइड किया तो हमें मिला 8000, फाइन, 8000 मल्टीप्लाइड बाय 40 तो कितना आएगा, 8 × 4 = 32, 3,20,000, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, फिर 8 लाख में से अगर हम 3,20,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 4,80,000, ये आपका कैपिटल रिडक्शन, मल्टीप्लाई करके भी ढूंढ सकते हो, 8000 इंटू 40 किया, 8000 इंटू 60, ध्यान से याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस बाय, ये जो बाय की वैल्यू है, ये बाय की वैल्यू कहां ट्रांसफर होती है, बाय की वैल्यू हमेशा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होगी, यही आपको ध्यान से देखना है व्हाइल सॉल्विंग, बाकी सारे तो पॉइंट्स आप इजीली सॉल्व कर सकोगे, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या दिया है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स आर सेटल्ड एज अंडर, तो मैं यहाँ पे आपको क्रेडिटर्स का करके ही बताता हूं, देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है क्रेडिटर्स की वैल्यू 1 लाख, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, देखो क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, 1 लाख है, अभी क्रेडिटर्स आर सेटल्ड एज अंडर, इसका सबसे सिंपल प्रेजेंटेशन ध्यान से देखना, देखो क्रेडिटर्स को हमने क्या दिया, 20% लोगों को 11% डिबेंचर्स दिए, यहाँ पे दिया हुआ है बाय 11% डिबेंचर्स, फाइन, 40% अमाउंट क्या हुआ, कैंसल्ड हुआ, कैंसल्ड, कैंसल्ड के लिए अल्टरनेटिव वर्ड मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वेव्ड या रेमिशन, और फोरगो भी बोल सकते हैं, तो वेव्ड भी आ सकता है, रेमिशन भी आ सकता है, कैंसल्ड भी आ सकता है, फोरगो भी आ सकता है, सबका मीनिंग सेम है, एंड रिमेनिंग जो 40% है, जो 40% होंगे उनके लिए क्या दिया है, हमने इक्विटी शेयर्स दिया है, सो यस, सो क्रेडिटर्स आर सेटल्ड बाय दिस 3 पॉइंट्स, वी आर गिविंग 20%, 11% डिबेंचर्स, 40% को हम कैंसल्ड करने वाले हैं और 40% को इक्विटी शेयर्स, अब अमाउंट ढूंढ लेंगे, देखो 1 लाख का 20% कितना आएगा, दैट इज 20,000, 1 लाख का 40% कितना आएगा, दैट इज 40,000, और यहां पे भी कितना आएगा, 40%, दैट इज 40,000, अभी यही आपका जर्नल एंट्री बनेगा, दिस इज द जर्नल एंट्री, हम जिसे भी पेमेंट करने वाले हैं, किसे पेमेंट करने वाले हैं, क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स को हम सेटल्ड करने वाले हैं, लेकिन क्रेडिटर्स को सेटल्ड करते वक्त मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जब भी सेटल्ड वर्ड आता है तब बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, बट यहाँ पे बैंक अकाउंट क्यों नहीं आया, बिकॉज हमने इनको बैंक नहीं, हमने इनको कैश पेमेंट नहीं किया है, हमने इनको इक्विटी शेयर्स दिया है, हमने डिबेंचर्स दिया है और कुछ अमाउंट को हमने कैंसल कर दिया है, तो इसका जर्नल एंट्री देखो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2 11% डिबेंचर्स 2 कैंसल्ड के लिए, याद रखना कैंसल्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन, तो कैंसल्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन, मैं यहाँ पे एंट्री लिख लेता हूं, देखो एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू
11% डिबेंचर्स, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू कैपिटल रिडक्शन। ध्यान से थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ध्यान से चेक कर लेना। यहाँ पे 1 लाख आएगा, 11% डिबेंचर्स कितना देखा हमने, 20,000 आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिखा हमने, 40,000 आएगा, और कैपिटल रिडक्शन में भी 40,000 आएगा। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रेजेंटेशन। फर्दर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर फिफ्थ में। पॉइंट नंबर फिफ्थ के लिए देखते हैं, देखो असेट्स रिवैल्यूड एज अंडर, प्लांट एंड मशीनरी 5,50,000, मोटर व्हीकल्स 1 लाख। अब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देखो यहाँ पे 5 लाख है, एडजस्टमेंट में कितनी वैल्यू है उसकी, 5,50,000 है। तो 5 लाख और 5,50,000 देखा तो एडजस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो असेट्स इंक्रीज एप्रिसिएशन। मोटर व्हीकल की वैल्यू देखो क्वेश्चन में 1,75,000 है, एडजस्टमेंट में कितनी है मोटर व्हीकल की वैल्यू, 1 लाख है, मतलब डिक्रीज हुआ है। तो अलग अलग एंट्री हमको करना पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर का एंट्री, तो देखो फिफ्थ नंबर का एंट्री मैं यहां पे कर रहा हूं। फिफ्थ नंबर का एंट्री क्या है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज असेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि वेन एवर असेट्स वैल्यू इंक्रीजेस, विच इज कॉल्ड एज एप्रिसिएशन, जब भी असेट की वैल्यू बढ़ेगी तब एप्रिसिएशन होगा, और अगर एप्रिसिएशन होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, और अगर हमें प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन क्या होता है, क्रेडिट। तो अगर एप्रिसिएट होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा, और अगर डेप्रिसिएट होगा तो लॉस होगा, कैपिटल रिडक्शन हमें डेबिट करना है। तो सिमिलरली अभी कितने अमाउंट से क्रेडिट है, डेबिट करना है। देखो प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख था, एडजस्टमेंट में कितना है, 5,50,000 है, तो डिफरेंस कितना बना, 50,000। तो आपको यहाँ पे आएगा 50,000, सिमिलरली 50,000, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, मोटर व्हीकल्स के लिए। मोटर व्हीकल्स देखो क्वेश्चन में 1,75,000 है, एडजस्टमेंट में कितना है, 1 लाख है, मतलब क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। असेट का वैल्यू डिक्रीज मतलब डेप्रिसिएशन होता है। एंट्री बनेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल्स अकाउंट। 1 लाख था और 1,75,000 ना, 1,75,000 और 1 लाख, तो कितने का डिफरेंस है, 75,000 का। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन में कितना है मोटर व्हीकल्स, 1,75,000, एडजस्टमेंट में कितना है, 1 लाख। तो 1,75,000 में से 1 लाख माइनस किया तो आंसर मिलेगा 75,000। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो स्टॉक वॉज सोल्ड एट 50% लॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टॉक की वैल्यू चेक कर लेते हैं कितना है, स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 25,000। तो जब भी कोई असेट हम बेचते हैं उसके पहले मैं आपको यहां पे कुछ लिख के बताता हूं। देखो स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दिया है 25,000। अगर हम स्टॉक को सोल्ड करेंगे लॉस में, लेकिन लॉस कितना हो रहा है हमें, 50% का। अगर हम 25,000 के स्टॉक को 50% के लॉस में बेचेंगे, इसका मतलब 25,000 का 50% कितना है, 12,500। अगर हमें 12,500 का लॉस हो रहा है तो हमने कितने में सोल्ड किया होगा, 12,500 में किया होगा ना, दिस इज द सेलिंग प्राइस। सो 25,000 का हमारा स्टॉक था, उसको हमने सेल कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने में सेल किया। हमने क्वेश्चन में से ध्यान से पढ़ना है, तो दे हैव क्लियरली इंडिकेटेड कि 25,000 का स्टॉक है, उसको हमने सेल किया 50% के लॉस में। तो अभी 50% के लॉस में अगर बेचा है तो किस तरीके से आप इसको एंट्री करोगे, ध्यान से चेक करना इसका एंट्री में किस तरीके से कर रहा हो। ओके देखो अगर आप स्टॉक सोल्ड करोगे तो आपके पास पैसे आएंगे, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। आपने स्टॉक सोल्ड किया तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस होता है तो मैंने आपको बताया था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। सो वेन एवर देर इज लॉस, कैपिटल रिडक्शन डेबिट, वेन एवर देर इज प्रॉफिट, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। यही बेस लेके चलना, ये बेस है, वरना आप जर्नल एंट्री जितना चाहे उतना बाहर करो, काफी सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस होंगे।
अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करो, अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करो। अगर हम असेट बेचेंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर दो, अगर लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दो। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि लॉस हो रहा है इसलिए मैंने कैपिटल रिडक्शन को डेबिट किया है, तो टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, अभी अमाउंट लिखता हूँ। स्टॉक की वैल्यू है 25,000, लॉस कितना हुआ 12,500, तो लॉस जाएगा हमारा कैपिटल रिडक्शन में। तो 25 माइनस 12,500 आपने 12,500 में ही सेल किया होगा, तो दैट इज द कैलकुलेशन। सो आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड दी एंट्री, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने वर्किंग नोट में भी कैलकुलेशन बाजू में लिखा है, और अपने बुक्स में प्रॉपरली इसको लिख के रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अगले एडजस्टमेंट में जाते हैं। ऑल फिक्टिशियस असेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, ऑल फिक्टिशियस असेट्स, तो पहले फिक्टिशियस असेट ढूंढ लेते हैं क्वेश्चन में से कि फिक्टिशियस असेट्स है कौन से कौन से। तो असेट साइड में मैंने देखा तो वी हैव प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बिल्स रिसीवेबल। तो इनमें से कौन सा फिक्टिशियस असेट्स है, चलो ट्राई करो, सब लोग कमेंट करो कि कौन सा इसमें से फिक्टिशियस असेट है। मैं वेट करता हूँ 2 सेकेंड। सो फिक्टिशियस असेट्स कौन सा है इसमें से, हाँ यस, फिक्टिशियस असेट्स है इसमें से प्रिलिमिनरी, यस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इसमें से फिक्टिशियस असेट है। तो यही एक फिक्टिशियस असेट है हमारे पास। अगर हमारे क्वेश्चन में इंटेंजिबल असेट होता तो उसको भी हम राइट ऑफ करते, बट फिलहाल हमारे क्वेश्चन में इंटेंजिबल असेट नहीं है, तो हमारे क्वेश्चन में सिर्फ प्रिलिमिनरी अकेला एक असेट है फिक्टिशियस, जिसको हम राइट ऑफ करेंगे। ये सिंपल बोनस है आपके लिए, एंट्री फिक्स है तो इसको आप याद रखें। सिंपल एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, हम फिक्टिशियस असेट का नाम लिखेंगे। तो एंट्री होगा, यहां पे लिखता हूं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितनी वैल्यू है 1 लाख, तो 1 लाख, 1 लाख, फाइन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर प्रिलिमिनरी तो हो चुका है, अगला पॉइंट। अभी अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, मैं आपको प्रॉपरली कैलकुलेट करके ही दिखाता हूँ एग्जैक्टली किस तरीके से। देखो प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर एडजस्टमेंट है, पहले एडजस्टमेंट को पढ़ लेते हैं। नंबर 7, प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज इन एरियर्स फॉर 2 ईयर्स। इसका मतलब है कि प्रेफरेंस डिविडेंड 2 साल से पेमेंट नहीं हुआ है, दैट इज एन एरियर्स, मतलब पेमेंट होगा अभी, तो 2 साल का एरियर्स था, पेंडिंग था पेमेंट। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट अगर नहीं हुआ है, दैट इज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। अगर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी पे होगा तो ही आपको एंट्री करना है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी अगर पे नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं करना है। अभी किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड जब भी आएगा आप क्वेश्चन में प्रेफरेंस का परसेंटेज देख लेना, कितना परसेंट है, 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, अमाउंट है 6 लाख रुपीज। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 6 लाख कितना परसेंट है, 11%। तो कैसे कैलकुलेट करें, 6 लाख का 11% ढूंढे, दैट विल बी 66,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स, 2 साल का एरियर्स है ऐसा उन्होंने बताया था। सो कितना आएगा, 66,000 अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू बनती है 1,32,000। लेकिन उन्होंने क्या बोला, एडजस्टमेंट में देखते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज इन एरियर्स फॉर 2 ईयर्स एंड हाफ ऑफ द डिविडेंड वॉज पेड इन कैश एंड रिमेनिंग वॉज वेव्ड। ध्यान से, अभी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। इसके 2 पार्ट्स हुए, हाफ जो है वो हमने पेड किया कैश से, और बाकी का जो हाफ है वो हुआ है वेव्ड। ठीक है, ध्यान से, इंपॉर्टेंट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो भी वेव्ड होगा उसका एंट्री नहीं होगा, ओनली फॉर कॉन्टिंजेंट, नॉट फॉर अदर्स। हाफ कैश में पेमेंट करना है, 1,32,000 का हाफ कितना आएगा, 66,000 ही आएगा, क्योंकि ये हाफ ही है। सो इसका एंट्री बनेगा सिंपल, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आप अपने पास लिख के रखो इसको प्रॉपरली। फिर से एक बार आपको बताता हूं, देखो किस तरीके से किया मैंने। 6 लाख इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी, 6 लाख इज द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस गिवन इन द क्वेश्चन, 11% इज द रेट गिवन इन द क्वेश्चन।
सो 6 लाख्स का 11% अगर ढूंढू तो 66,000 आता है, ये 1 साल का डिविडेंड है। बट हमें क्वेश्चन में बोला था कि 2 साल का डिविडेंड ढूंढो, तो 2 साल का हमने ढूंढ लिया, दैट इज 1,32,000। अब एडजस्टमेंट बोलता है कि 1,32,000 में से हाफ जो है वो पे किया कैश में, और बाकी रिमेनिंग हाफ जो है वो वेव्ड कर दिया। तो जो वेव्ड होगा उसका कोई एंट्री नहीं होगा, लेकिन जो हम पेमेंट करने वाले हैं कैश में उसका एंट्री होगा, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। अब ये कैपिटल रिडक्शन टू बैंक का एंट्री यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? इसका एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाउ मच विल बी द अमाउंट? द अमाउंट विल बी 66,000 विच वी हैव कैलकुलेटेड। फाइन, तो ये था, थोड़ा ध्यान से देख लेना इस एडजस्टमेंट को एक बार प्रॉपरली, वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना आपके पास, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। नेक्स्ट इज रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड, हमारा लास्ट एडजस्टमेंट जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको करवाया था। काफी सिंपल एंट्री है, क्या होगा एंट्री? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेम एंट्री। कितना अमाउंट? 10,000, ठीक है? तो ये हुए हमारे सारे एंट्रीज, और लास्ट एंट्री कौन सा होता है? बैलेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे ढूंढते हम लोग? कैपिटल रिडक्शन जितने बार क्रेडिट हुआ वो ऐड करे, और जितने बार डेबिट हुआ वो लेस करे। जैसे चेक करते हैं आप, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है 3,50,000, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो आपको प्लस करना है। फिर इसमें भी क्रेडिट हुआ है, ये भी प्लस करना है। इसमें भी क्रेडिट हुआ है 4,80,000, ये भी प्लस करना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी क्रेडिट हुआ है 40,000, तो ये भी प्लस करना है। इसमें भी क्रेडिट हुआ है 50,000, ये भी प्लस करना है। इसमें डेबिट हुआ है 75,000, तो ये प्लस नहीं करना है, ये माइनस करना है। तो जो प्लस करना है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इसमें भी डेबिट हुआ है 12,500, ये माइनस करना है। इसमें भी डेबिट हुआ है 1 लाख, ये माइनस करना है। इसमें भी डेबिट हुआ है 66,000, तो इसको भी माइनस करना है। और लास्ट उसके बाद भी डेबिट हुआ है 10,000, उसको भी माइनस करना है। और उसके बाद जो भी आंसर आपको मिलेगा वो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, और ये आपका होमवर्क है। सो लास्ट लेक्चर में जो आंसर मिला था वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है। लास्ट क्वेश्चन के लिए 2,90,500 ये आपका कैपिटल रिजर्व था। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हम कुछ नए एडजस्टमेंट सीखेंगे, नए तरीके के नए पॉइंट्स देखेंगे कि जो ये 2 क्वेश्चंस में नहीं आए हैं। तो ये ध्यान से ये सारे एडजस्टमेंट को देखे। सो इन दिस 2 क्वेश्चंस वी हैव ट्राइड टू कवर अप मैक्सिमम टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स के बेसिस पे वी विल बी प्रैक्टिसिंग इन मोर सेशंस टू कम। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और सभी लोग इसका कैपिटल रिजर्व मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ताकि अगले बार मैं आपके आंसर्स के साथ मैच करूं, और हम अगले बार जो क्वेश्चन लेके आएंगे उसमें मैं सारे जो आंसर्स है उसको डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली आपको कैपिटल रिजर्व कितना मिलेगा। फिर अगले बार हम कैपिटल रिजर्व ढूंढने के बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं उसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे लाते रहता हूँ। टिल देन, एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर।